Shuru? Okay. Now, same sum, weighted average. If you have followed the points, if you have read the points, if you have remembered the, and understood the points, पता चल जाएगा. मैंने बोला था कि FIFO किसके लिए है? Perishable, खराब होने वाली चीजें. दूध है, मच्छी है, मटन है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, राइट? आप कितना रखोगे इसको रखकर? खराब होने वाली है, करेक्ट? तो खराब होने वाली चीजें जो है बराबर वो FIFO फॉलो बेसिक है. प्लास्टिक आइटम कभी खराब होता रहेगा? नहीं. कपड़ा? नहीं. जाते हो यहाँ सेल्स, सेल है, कोई भी शर्ट उठाओ 200 रुपया, कोई भी चप्पल उठाओ 200 रुपया, राइट? क्या करते हैं वो लोग? मिक्स कर देते हैं. देखो अभी पॉइंट भी नोटेड कि उनको हर एक प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पे पड़ा है, स्टिल दे आर सेलिंग इट एट वन प्राइस एट विच दे आर इन प्रॉफिट, इवन वी आर गेटिंग इट एट चीपेस्ट प्राइस, करेक्ट? तो हमें भी सस्ता मिलता है, उनका भी प्रॉफिट उसमें निकल जाता है. कोई भी बिजनेसमैन लॉस में तो बेचने वाला नहीं है, राइट? हम भी अगर बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट ही चाहेंगे ना, राइट? राइट. तो प्रॉफिट के लिए आपको मिक्स करने का भी अलाउ है. कैसे करेंगे जान लेते हैं अभी. ओके, सेम थिंग इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज. विल इट डू? क्या अगर मैं ना लिखूं चलेगा? यस. और मैं बड़ा चौक गिरा कर देता हूँ. आई एम एलर्जिक टू डस्ट, दैट इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई फॉलो. ओके, ठीक है. तो चौक गीला हो गया है, अब हम आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ किसके? पंकज भाई. पंकज उदास नहीं है, पंकज उदास गाने बैठे, वो स्टॉप नहीं रखेंगे. इन द बुक्स ऑफ पंकज मिस्टर डालो ना डालो चल रहा स्टॉक वैल्यूएशन या स्टॉक लेक्चर. क्लियर? अब स्टॉक लेक्चर हम लोग कौन सी मेथड से करने वाले हैं? यहाँ पे कौन सी मेथड से है? कौन सी मेथड? दूसरी मेथड कौन सी? अपनी वेटेड एवरेज मेथड, राइट? तो वेटेड एवरेज मेथड. तो यहाँ पे ब्रॉक अमेरिकन में लिखते हैं कोने में एक वेटेड एवरेज मेथड. ओके, वेटेड एवरेज मेथड. कॉलम्स आर सेम अगेन. एक डेट, देन परचेसेस. परचेसेस कितना किया? दैट इज क्वांटिटी. किस रेट पे किया और उसका अमाउंट कितना? इशू, कितना किया, किस रेट पे किया एंड अमाउंट. क्लियर? देन बैलेंस, कितना किया, किस रेट पे किया एंड अमाउंट. ओके, नॉट एन इशू, ठीक है. चलो शुरू करें. शाबाश. अभी ये सब 8 मिनट में, इसको तो 6 मिनट लगे. देखो अभी देखते 6 मिनट लगते हैं. अभी कितना हुआ? 3 मिनट 5 सेकंड, ठीक. तो 1st April 2019 डैश 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 और बैलेंस कितना है अपने पास? 200 एट द रेट ऑफ 50, दैट इज 10,000. हाँ देखो, कोई चीज जब आसानी से होती है तो उसको आसानी से कर लेंगे, राइट? बेवजह स्पीड छोटा करके, धीरे धीरे करके, बच्चा लोग तेज वो के स्टूडेंट्स बैड, वो आदत मेरी नहीं है. मेरा ऐसा, मैं शुरू करता हूँ चले जाता है, सो दैट नॉन स्टॉप करोगे, फुल कॉन्सेंट्रेशन से करोगे, आपका सम सही आने वाला है. खुद को एक स्पेस देकर आराम से करोगे तो गलती होगी, मूड चला जाएगा, ध्यान डाइवर्ट होगा, राइट? सो बी फोकस. एक बार कोई सम उठाया, स्टार्ट टू एंड पैकअप कर दो उसको, ये मेरी आदत है. ओके, नेक्स्ट. सेकेंड अप्रैल व्हाट आई हैव डन? परचेस. हाउ मच? 300. क्वेश्चन में देखने की तो जरूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक मेथड पड़ी हुई है, राइट? सो 12,000, करेक्ट? अब ध्यान दो कि करना क्या है. वेरी सिंपल. पहले से मेरे पास कितनी क्वांटिटी है? 200. आज मैंने परचेस कितने की? 300, राइट? तो 200 + 300 इट बिकम्स हाउ मच? 500. 10,000 + 12,000 इट बिकम्स हाउ मच? 22,000, राइट? अब इसका मुझे ढूंढना है रेट पर यूनिट, राइट? तो आई हैव सेड कि रेट पर कैसे ढूंढना है, राइट? टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी, ठीक है. बहुत सारे लोगों को कैसे नया होगा सर, कैसे यूज करते हैं, डोंट नो, ठीक है, वो भी बता देता हूँ. व्हाट इज द अमाउंट? 22,000, राइट? डिवाइड बाय व्हाट इज द क्वांटिटी? 500. क्लियर? बराबर. तो आ गया रेट पर कितना है मेरा, कितना आया? 44. वेरी गुड, ठीक है. बस वो 44 हम लोग यहाँ पे थे. आई अंडरस्टैंड कि कैसे किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि घर वाले पैदा नहीं करते. क्या है, कैसे क्यों चाहिए तेरे को, राइट? गाली खाई हुई थी बहुत बार, तो
स्पेशली मैथ्स के लिए कोई टेबल नहीं आता, तो कैल्सी हाथ में लिया रहे या दिखा नहीं, टेबल नहीं आते मुझे, इसके लिए वो कैल्सी की जरूरत पड़ती है, ऐसा वैसा होता है, नॉट एवरी डे. थर्ड व्हाट आई हैव डन, क्या किया है, सेल्स कितना 350, ओके मतलब 350 नहीं 300 करेक्ट, तो 300 एट द रेट ऑफ व्हाट नाउ 44 क्लियर, सो 4 3 आर 12 1 कैरी 4 3 आर 12 प्लस 1 13 और ये दो जीरो 13,200 क्लियर, 500 में से 300 पेज दिया कितना बचा 200 एट द रेट ऑफ 44 राइट, सो 4 2 आर 8 4 2 आर 8 8,800 सिंपल. यस देखो अलग अलग इतने का हिसाब ही नहीं, यहाँ पे मिक्स कर दो प्लस कर दो डिवाइड कर दो अमाउंट जोड़ दिया रेट जोड़ दिया अच्छा ये ओके. नाउ फोर्थ फोर्थ अप्रैल व्हाट आई हैव डन, फोर्थ अप्रैल 2019 350 इनटू 45 दैट इज अमाउंट इज 15,750 ओके नो प्रॉब्लम. अब पहले से मेरे पास कितनी क्वांटिटी है 200, आज कितनी परचेज की 350 दैट इज टोटल 550 8800 प्लस 15750 बराबर मेरे पास तो हो जाएगा टोटल इजीली 24550 लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को कैलकुलेट करके बताता ओके. पहला कितना है 8800 प्लस 15750 ओके और डिवाइड करने के लिए मुझे ये ढूंढना है कितना आया 24,550 डन, सो 24,550 इतना मैं लिख लूं और रेट पर मैंने कैसे ढूंढना है, अमाउंट का मैंने फॉर्मूला दिया रेट पर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी ओके, तो डिवाइड का बटन ये है भागी ओके भागा था 550 ओके कितना आया 44.636 है ना, तो 44.64 ले लेंगे ओके, देन मेक अप इज 44.64 क्लियर. तीसरा नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो यू हैव द राइट के सेकंड नंबर को आप 1 से बढ़ा सकते हो है ओके. 5th अप्रैल 2019 व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव डन सेल्स कितना मिनट बचा मैंने 400 चलो तो इसमें से 400 भेज देते हैं 400 एट द रेट ऑफ 44.64 बराबर तो कितना आएगा आई डोंट नो और 150 एट द रेट ऑफ 44.64 कितना आएगा आई डोंट नो ठीक है. तो एक काम करता हूं मैं मेरे पास कैलसी पे डिवाइड करके ये नंबर आया होगा ना 43.6363636363 बस उसी को रखता हूं इनटू गुणा इनटू कितना 400 डन यानी मेरे पास अमाउंट आ गया कितना आया मेरे को तो सीधा करके देखना पड़ेगा ना 17855 क्यों 854.5 है पॉइंट के बाद 5 है तो पॉइंट के पहले के नंबर को मैं 1 से बढ़ा सकता हूं ओके 17855 अब ज्यादा लफड़ा नहीं रखने का मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन एक और शॉर्टकट भी है कि 24550 माइनस 17855 कितना बचा 6695 क्लियर. या तो फिर मैं क्या कर सकता हूं 44.6363636363 इनटू कितना करना है 150 अमाउंट सेम आएगा 6695 क्लियर ओके 6695 डन आई होप आई क्लियर टू यू ओके वेरी गुड बढ़िया आगे ठीक है. अब 6th अप्रैल व्हाट आई हैव डन क्या किया मैंने क्या किया परचेस किया कितना 100 एट द रेट ऑफ व्हाट 55 यानी कि 5500 देखो परचेस के लिए आप रेट चेंज नहीं कर सकते यू हैव टू टेक द सेम रेट व्हिच इज गिवन बाय देम क्लियर ओनली फॉर सेल्स एंड ओनली फॉर क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल चेंज तो डैश 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 अब 150 पहले से है 100 अभी खरीदे दैट इज 250 बराबर 6695 प्लस 5500 तो कितना आया आपके पास 12,195 डिवाइड बाय 250 तो मेरा रेट कितना बनेगा
48.78, ओके, यानी हर एक चीज में 50 रुपए में बेचो तो भी मैं 100 रुपए प्रॉफिट कमाने वाला, राइट, कितना आया था 48.78, क्लियर। तीन मिनट पांच सेकंड के बाद शुरू हुआ था और 10 मिनट 12 सेकंड हो गया, 7 मिनट में अपना सम 100, क्लियर, ओके। बट खत्म हो गया क्या? नहीं, मैंने क्या बोला, वी हैव टू राइट अ सेंटेंस, वो सेंटेंस क्या होगा, therefore the value of closing stock is, right, therefore the value of closing stock is what, rupees 12,195, yeah, I hope I'm clear to everyone, simple, yes। अब पढ़ाई शुरू करने के नाथ में मैं ये तो भूल ही गया कि आप लोगों को मैंने ईद वेचनी की है, राइट, सो सभी को रमजान ईद मुबारक। हाँ, हम लोग वो है जो रमजान में राम ढूंढते हैं और दिवाली में अली को साथ में लेके चलते हैं, राइट, सो देश का भाईचारा यही रहे, लेट अस बी ऑल यूनाइटेड, गंदे पॉलिटिक्स में, चीप पॉलिटिक्स में ना आए, माचिस के डिब्बे बहुत लगे हुए हैं, आग कौन फैलाता है, तीली, एक छोटी सी मैचस्टिक, हमें वो मैचस्टिक या हमें वो तीली नहीं बनना है और देश की शांति बनाए रखनी, राइट, स्टे होम, स्टे सेफ, चलो बाय, सी यू अगेन।